भूषण 40 ईयर्स ओल्ड, द्वारका मोड नई दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं स्पाइन के पेन से काफ़ी परेशान था। मैंने पता किया, पता करने के बाद पहले से भी जानकारी थी मुझे, मणिपाल हॉस्पिटल को मैंने चुना और वहाँ पर जाकर के जब मैंने स्पाइन स्पेशलिस्ट के बारे में पता किया तो पता चला कि डॉक्टर हमजा शेख जी हैं, उनसे मिला, उन्होंने सर्जरी सजेस्ट किया। वो काफ़ी हसमुख व्यवहार के हैं और उन्होंने 30 तारीख मुझे सजेस्ट किया। 30 तारीख के शाम में मेरी सर्जरी हो गई। 31 के सुबह जब वो राउंड पे आए, मुझे बोले कि कैसा आपको फील हो रहा है। बोला सर मुझे तो कोई पेन वगैरह कोई खास लग नहीं रहा है, अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आप खड़े हुई राउंड लगाइए। मैंने राउंड लगाया उनके साथ और मैं एक दो राउंड लगा लिया और सारे दिन में करीब करीब 2-2 घंटे पे उन्होंने जैसे सजेस्ट किया था मुझे मूवमेंट करने के लिए मैंने किया, सारा कुछ किया। स्थिति ये बनी कि शाम में उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा। और उन्होंने मुझे 31 तारीख के शाम में मुझे उन्होंने वहाँ से रिलीज कर दिया और मैं अपने घर 31 तारीख को शाम में 9:30 बजे में 10 बजे में पहुँच चुका था। यानी ऑपरेशन के एक दिन बाद से मैं अच्छा महसूस करने लगा। आज 5 जनवरी 2023 है, मैं अपना टाका कटवाने के लिए पुनः आया हूँ और इस 5 दिन के दरमियान मुझे नॉर्मल पेन थोड़ा बहुत कभी कभी महसूस हुआ, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सोने में बैठने में अपने घर में और खाने में पीने में किसी भी ढंग की कोई कुछ नहीं, ना कोई कॉन्स्टिपेशन। रही बात जहाँ तक हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ से, चाहे नर्सिंग स्टाफ से लेकर के क्लीनिंग स्टाफ से लेकर सारे वेल ड्रेस्ड वेल सॉफ्ट स्पोकन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक बात है डॉक्टर हमजा शेख की, काफ़ी कम एज के हैं लेकिन काफ़ी हसमुख व्यवहार के, बोलते चलते हंसाते वो सारी परेशानी आदि तो वैसे ही दूर आदमी की हो जाती है। ये हमारी आज तक का हमारा अपना अनुभव रहा है और मैं चाहूँगा कि आगे अगर कोई भी शायद आना चाहें तो डॉक्टर हमजा शेख से जरूर मिले, अगर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद। पेशेंट इंदु भूषण जी मेरे पास इमरजेंसी में आए थे, इनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था और सीवियर राइट लेग पेन था और ये इस पेन से बैठ भी नहीं पा रहे थे और चलना तो बहुत मुश्किल था। इनको ये पेन लगभग पिछले 3-4 महीने से था और जो कि लास्ट 4-5 डेज से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। MRI पे इनकी बहुत बड़ी L4-L5 की डिस्क आई थी और जिसके लिए मैंने उनको एक सर्जरी सजेस्ट करी थी जिसे बोलते हैं MIS-TLIF। MIS-TLIF मतलब मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, बहुत ही छोटे कट से ये सर्जरी करने का मैंने उनको सुझाव दिया और इससे फ़ायदा ये हुआ कि 30 तारीख को इनकी सर्जरी हुई और अगले दिन ही 31 तारीख को ये चल रहे थे और शाम को इनका पेन रिस्पॉन्स बहुत टॉलरेट अच्छा कर रहे थे और शाम को ही मैंने डिस्चार्ज कर दिया। तो MIS-TLIF इतनी आज की डेट में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जिससे छोटे से कट से सर्जरी हो जाती है और पेशेंट अगले ही दिन घर भी जा सकता है। इनका पेन रिलीफ इतना अच्छा है कि आज ये 3-4 दिन बाद सूचर ड्रेसिंग के लिए आए हैं और अच्छा अपने आप इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, कोई इनको इशू नहीं है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के, जो आजकल जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल में सब पॉसिबल है।